कितनी मैच्योरिटी यार, मैंने सोचे नहीं लाइफ में भी। लोग लिख लिख के मैच्योर होते हैं, मैं नटखोर नदान होता जा रहा हूँ इनके साथ। अच्छा काम करते करते ना पता नहीं इन्होंने मेरी स्पीड बना दी है, ये मेरे से मिनट मांगने लग गए। मेरे पास दिन होता है पूरा, तो ये बोलते हैं कि यार 10 मिनट चाहिए, हो जाता है यार ये, मुझे भी नहीं पता कैसे होता है। ऐसा नहीं कि 15 मिनट मैंने कोई तोप लिख देनी है, ऐसा कुछ नहीं है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम हो जाता है जितना चाहिए होता है। तो आप इनके लिए एक दिन निकालते हैं और ये मिनटों में काम करवा देते हैं? मैं निकालता हूँ, इसके पास एक मिनट नहीं होता फिर। एक जो फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है जो लिरिक्स का, उसके बाद कितना इंटरफेयर करते हैं सिंगर्स की, यार ये चीज हटाओ कुछ और डालो। कभी कभी ऐसा होता है जो मेन चीज होती है वहीं पे उंगली नस जो होती ना कि ये हुक लाइन है मेन, वहीं पे प्रोड्यूसर हाथ रख देता है इसको हटा दो, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर डिस्टर्बेंस है तो अलाउड नहीं होती, कंट्रीब्यूशन ऑलवेज वेलकम होता है हमेशा, और समझदार लोग हैं इंडस्ट्री में, समझते हैं सब। इस गाने में जहाँ तक भूषण कुमार जी का ताल्लुक आता है, मोस्टली गाने उनके साथ करता हूँ, तो कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं है, वो वही बोलते हैं जो नहीं चाहिए होता, अदरवाइज गाना हम लोग कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि टाइम की कमी के कारण आपने जल्दी जल्दी वो गाना लिख दिया, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ होगा यार ये क्या। मैं रिपेंट नहीं करता लाइफ में, कुछ भी करूं लाइफ अमल, क्योंकि जैसा आपने बताया कि ये कुछ अलग करना था जी, तो इतनी अच्छी दुकान चल रही है रोमांटिक सॉन्ग्स की और सैड सॉन्ग्स की, तो अलग करने का वो आपने तो दुकान बोल दिया यार, आपने अपने सवाल में जवाब दिया शोरूम के चक्कर में। अभी मैंने इसका जवाब मैं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं दुकान नहीं चला रहा हूं, मैं जो एक गाना भी करूं कभी भी, एक फिल्म हो या एक एल्बम हो या एक गाना हो, मैं मेरा 2000% उसमें होता है, और मेरे लिए म्यूजिक दुकान नहीं है, सो आई डोंट ट्रीट इट लाइक दैट। टाइम मिले ना मिले मैं वही चीज करता हूं, दैट अगर मैं इससे या किसी भी चीज से 100% श्योर नहीं हूँ कि आप डन अ गुड जॉब, देन आई वोंट पुट इट आउट। वीडियो में आप कहीं नजर नहीं आए, और जो फैंस हैं वो चाहेंगे कि ये अरमान मलिक का सोलो म्यूजिक वीडियो है, और मुझे बैकग्राउंड में रहने का बहुत शौक है, मैं पसंद करता हूँ। दुकान 10 बजे बंद हो जाती है, ये उठते ही उसके बाद है काम के लिए, आई नो दैट। मोर क्वेश्चंस या मेरा सवाल जो है, अरमान मैं सुशील गंगवार साक्षात्कार.com से और filmypr.com से। हेलो सर। अरमान जी मेरा सवाल आपसे है कि आप अच्छा डांस करते हैं जी, अच्छा गाते हैं जी, तो एक ख्वाहिश कहीं ना कहीं दिल में जगी है कि आप कब तक फिल्म में मुझे देखने को मिलेंगे। लोगों में मुझ में नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन तो ख्वाहिश कब तक जग पाएगी आपकी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सही मतलब कब तक, एक पेचीदा सा सवाल है एक्चुअली मुझे। अगर फिल्म करूंगा तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग म्यूजिकल, अगर कोई आशिकी या रॉकस्टार ऐसा कुछ मूवी हो विच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ सिंगर और अ म्यूजिशियन, वो मेरे लिए इजी रहेगा, क्योंकि एज अ सिंगर मैं जानता हूँ इमोशंस को, एंड वो स्क्रीन पे लेके आना मेरे लिए और इजी रहेगा। कहा जाता है कि एक एक्टर तो हर तरीके की फिल्में करना चाहिए। सर मैं सिंगर हूँ फर्स्ट, एक्टिंग इज माई सेकेंड इफ इट हैपेंस। मेरा फर्स्ट लव सिंगिंग और म्यूजिक है। एक्टर बन जाने दो, फिर सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे।